हेलो एवरीवन, आज है 13 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर आप लॉन्ग टर्म की एसआईपी कर सकते हैं। जब भी गिरावट आए, एक एक दो दो क्वांटिटी आप खरीदते जाइए इस शेयर में और आपको आने वाले दिनों में बढ़िया रिटर्न मिलेगा, बढ़िया रिटर्न मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करूँ और उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस स्टॉक की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, उस शेयर का नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। जी हाँ, आज 1% की गिरावट है। हालांकि मॉर्निंग में शेयर पॉजिटिव में ऊपर हुआ था, 2423 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन अभी 2350 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हल्की सी हमें गिरावट देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन फिर भी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग ये शेयर है। और मुझे लगता है कि जब भी अगर इसमें गिरावट आती है तो आप एक एक दो दो शेयर्स की एसआईपी कर सकते हैं। एक एक शेयर की एसआईपी मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि ये देखो फंडामेंटली काफी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग शेयर है। आप खुद देखिए कि पिछले 1 महीने का अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ तो 1 महीने में 15% का ग्रोथ है। ऐसी सिचुएशन में, जब कोरोना से पूरा स्टॉक मार्केट टूट रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी ये दौड़ रहा है। 1830 रुपए के आसपास का लो था, 2450 रुपए तक का हाई बना है। अब धीरे धीरे नीचे जरूर जा रहा है ये। पिछले 1 साल की हम बात करेंगे तो 1 साल में एक्चुअल के शेयर में 36% का ग्रोथ है। भैया, नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर नहीं है, नेगेटिव रिटर्न नहीं है। 1670 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, 2450 रुपए तक का हाई भी बना है। 3 साल की अगर हम बात करेंगे तो 3 साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो स्टॉक है उसमें 150% का ग्रोथ है, ऊपर जा रहा है। देखिए, अगर हल्की से गिरावट आ भी जाती है ना तो भैया बाउंस बैक कर लेता है ये शेयर। और 2450 रुपए तक का हाई है, 904 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करा था, ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। अगर किसी गिरावट आ भी गई तो बाउंस बैक कर लिया। गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, लेकिन ग्राफ आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है और ये एक अच्छे शेयर की निशानी होती है। यहाँ पर देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप बन चुका है। 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप। एनएससी में अगर हम बात करें तो भैया अभी वक्त हुआ है 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे हुए हैं और 20 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भैया सबसे पहली जो ज्यादा होल्डिंग है वो एफआईएल के पास है, 12% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 2.58% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस फंड के पास 3.71% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 13.82% की होल्डिंग है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है हाईएस्ट होल्डिंग के साथ, यूनिलीवर पीएलसी, जिनके पास 51.48% की होल्डिंग है। 325 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 1150 के आसपास एफआईआई ने पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.07% है और डिविडेंड देखिए 1100% का डिविडेंड पे कर रहा है। 11 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है, 11 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करने जाए तो डेफिनेटली बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है कोरोना के चलते, और सिर्फ इन्हीं का नहीं, बहुत सारी कंपनीज का जो बिजनेस है वो बहुत पूरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन इनका भी हुआ है। एचयूएल ब्रिटानिया फैक्ट्रीज, इनका जो आउटपुट है उसमें ड्रॉप आया है। अगर हम बात करने जाए तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एचयूएल की, तो कंज्यूमर गुड्स मेजर एचयूएल फैक्ट्रीज हैव बीन अ 40% ड्रॉप इन एवरेज डेली सेल्स एंड फैक्ट्री आउटपुट ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट इश्यू एंड शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो देखिए 40% का ड्रॉप आया है इनके डेली के सेल में, क्योंकि भैया सब लोग लॉकडाउन है, सब घर पे पड़े हुए, सब घर पे बैठे हैं। इससे क्या हो रहा है, पहला तो भैया ट्रांसपोर्ट का इश्यू हो रहा है और स्टाफ भी नहीं है काम करने के लिए, तो उसका भी शॉर्टेज है, तो ड्रॉप जरूर है। लेकिन उसके बावजूद काफी अच्छी चीज यहाँ पर यह कि शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ एज फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक कंटिन्यू टू बी द बिगेस्ट चैलेंज, तो ये कहा है एचयूएल के स्पोक्स पर्सन ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को। लेकिन उसके बावजूद शेयर में तेजी है। रीजन ये है कि भैया अगर हम बात करने जाए तो एटलीस्ट इनके तो थोड़े बहुत सेल्स हो भी रहे हैं। ड्रॉप आया है 40% का, लेकिन सेल्स हो रहे हैं जबकि बाकी कंपनी में सेल भी नहीं हो रहा है। और आने वाले दिनों में लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही मार्केट खुलता है लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। लोग अब क्या करेंगे, लोग अपनी जो जीवन जरूरियात की चीज है उस पर पैसा खर्च करेंगे जो एचयूएल बनाती है। एचयूएल ब्रिटेन ने जैसी बड़ी कंपनीज वो प्रोडक्ट बनाती है तो लोग वो सामान खरीदना पसंद करेंगे, ना कि लोग गाड़ियां खरीदने जाएंगे, ना कि लोग ज्वेलरी खरीदने जाएंगे, तो वो सब यहाँ पर लोग नहीं करेंगे। लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपने खाने पीने की चीजें पर ही सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। और ये एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर उसी के बिजनेस में सबसे बड़ी कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करने जाए तो देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है, अभी भी टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार इनकी है।
हम देख सकते हैं कि पी 75 का है, इंडस्ट्री पी 65 है, बुक वैल्यू 35 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 66 है, डिविडेंड 2200% का है, ईपीएस 31 के आसपास है और डिलीवरी 36 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया खरीद लो, शानदार मौका है। 21% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और आप देखिए इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी, और कर्जा 1 रुपए का भी नहीं है, डेट फ्री स्टॉक है ये, 1 रुपए का भी कर्जा इनके ऊपर नहीं है, और हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा है, 1600 करोड़, 1850 करोड़, 1755 करोड़, 1540 करोड़, 1440 करोड़। तो भैया हर क्वार्टर में बड़े मुनाफे यहाँ पर कमाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि भैया एक्चुअल एक ऐसा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर कि अगर मार्केट गिरेगा लेकिन इसकी डिमांड कम नहीं होगी, इसकी डिमांड कम नहीं होगी। मैं यही कहूंगा कि भैया अगर स्टॉक गिरता है तो डेफिनेटली आप एक एक शेयर की एसआईपी यहां पर कर सकते हैं, एक शेयर की एसआईपी करिए, बाद में 2-3 दिन रुकिए, देखिए शेयर का मोमेंटम कैसा है, बाद में फिर से थोड़ी बहुत शेयर, एक शेयर की एसआईपी करें, तो उस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हैं। जितनी गिरावट आए उतना खरीदो इसको, उतनी एसआईपी करो इसमें। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैनिक कर जाते हैं जब स्टॉक में गिरावट आती है, हम लोग पैनिक कर जाते हैं। मैं ये कहता हूँ भैया पैनिक करने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को चुनो, आपको जरूर रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में हम जो रिटेल निवेशक है वो डर जाते हैं, जबकि जो बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो लोग डरते नहीं है, वो लोग इसमें बने रहते हैं। तो ओवरऑल यही कहूंगा कि अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में खरीदारी की है तो भैया डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया स्टॉक है ये, जरूर रिकवर कर लेगा, और रिकवर क्या, ऑलरेडी ऊपर जा ही रहा है ये शेयर, और भी ऊपर जा सकता है ये शेयर। तो यही कहूंगा कि भैया बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नेस्ले, हम इसको कह सकते हैं, नेस्ले का शोर जो शेयर है ये 16,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर 16,000 रुपए तक जाएगा, लेकिन पोटेंशियल है कि भैया लंबे वक्त का, के ये लंबी रेस का घोड़ा हम इस शेयर को कह सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि देखो गिरावट आती है शेयर में तो बढ़िया मौका है, फायदा उठाए, और एक एक शेयर की आप चाहे तो एसआईपी यहां पर कर सकते हैं। रिटेल निवेशक डरते हैं जब गिरावट आती है, जबकि उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि रीजन ये है कि बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं वो इसी गिरावट का फायदा उठाते हैं और वो बहुत सारे शेयर की क्वांटिटी यहाँ पर खरीद लेते हैं। तो मैं भी यही कहूंगा कि भैया डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को चुने आप और जरूर आपको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।